उसी क्रम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब देख लेते हैं स्टूडेंट। एक हमारी वर्ब होती है रेज, रेज होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब और इसका हिंदी मीनिंग होता है उठाना। और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट वो देखिएगा रेज, सेकंड फॉर्म रेज और थर्ड फॉर्म होती है रेज्ड। स्टूडेंट यहाँ पर एक पॉइंट देखिएगा, एक हमारी वर्ब होती है राइज, राइज हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है और इसका हिंदी मीनिंग होता है उठना। स्टूडेंट यहाँ पर इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है राइज, सेकंड फॉर्म होती है रोज और थर्ड फॉर्म होती है राइजन। स्टूडेंट कई बार बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि वो इन दोनों वर्ब्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन के कारण उनके क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, ही हैज द मैटर ऑफ चाइल्डहुड, तो यहाँ पे रेज्ड आएगा या राइजन आएगा, देखो ही हैज रेज्ड आएगा स्टूडेंट यहाँ पर, ही हैज रेज्ड द मैटर ऑफ चाइल्डहुड, उसने बाल श्रम के मैटर को मुद्दे को उठाया है तो यहाँ पर रेज होगा। आगे देखिएगा द प्राइसेस ऑफ एवरीथिंग आर, हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं मतलब उठ रही हैं तो यहाँ पर रेजिंग नहीं आएगा, यहाँ पर राइजिंग आएगा। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट मैनी प्रॉब्लम्स आर, राइजिंग होगा कि रेजिंग होगा, राइजिंग इन माई लाइफ तो यहाँ पर राइजिंग होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिएगा डोंट रेज या फिर राइज, डोंट रेज योर फिंगर अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ अपनी उंगली मत उठाओ तो स्टूडेंट यहाँ पर रेज आएगा। रेज माने होता है उठाना और राइज माने होता है टू प्रोग्रेस या फिर बढ़ना या फिर उठना। तो आपको आई होप इन दोनों वर्ब में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आइए स्टूडेंट इसी क्रम में नेक्स्ट वर्ब देख लेते हैं।